हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चुलाई के दाल से पकौड़ी। इस चुलाई की दाल को लोबिया भी बोला जाता है। 300 ग्राम लिया है, 4 घंटे पानी में भिगोया, उसके बाद इसका पानी हटा दिया। 2 चम्मच तेल, 100 ग्राम बेसन, 1 कप पालक कटा हुआ, 1 प्याज कटी, 2 चुटकी बेकिंग सोडा, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच अजवाइन, 3 हरी मिर्च कटी हुई, 2 चम्मच हरा धनिया, 1 चम्मच अदरक पेस्ट, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1 चुटकी हींग लेंगे। सबसे पहले दाल को हम जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। दाल को हमने पीस लिया है, एक बर्तन में निकाल लेंगे। दाल को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है, इसमें डाल देंगे बेसन, प्याज, तेल और ये सभी चीजें जो हमने ली हैं, सभी को डाल देंगे। पालक, हींग अच्छे से मिला देंगे सभी चीजों को। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये मैंने तेल लिया है कढ़ाई में। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। ज्यादा बड़ी पकौड़ी नहीं बनानी है, इस तरह से सभी को इसी तरह से बना बना के डाल देंगे। पकौड़ियों को दोनों तरफ से पलट कर हमने गोल्डन ब्राउन होने तक तल लिया है। पकौड़ियां बन करके तैयार है, इन्हें निकाल लेंगे। इन पकौड़ियों को हम हरे धनिया की और पुदीने की चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी चटनी या सॉस के साथ इन्हें सर्व कर सकते हैं। पकौड़ी हमारी बनकर के तैयार है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, आप इन्हें बनाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।